यहाँ का सर मामला यही है कि नदी हमारे यहाँ आधा गांव काट ली है, आधा गांव काटने के कगार पर है। हम लोग प्रशासन से सुनवाई किया है लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। हम लोग बिल्कुल गांव मतलब बेस्ट हैं, गांव वाले गांव कट गया और खेती गृहस्थी भी कट गया और जो बाची बाकी है वो भी कटने वाला है और हम लोग बिल्कुल पस्त हैं। हम लोग की हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग हम लोग क्या करें। आज हम लोग सर गंगा जी को मनाने के लिए पूजा पत्रिका किया, यहाँ महाराज को बुलाए थे और उस महाराज ने उसको गंगा जी को मनाया जुनाया और हम लोग अपने जितना मतलब गंगा जी का मनाओ खतीर साहब तीन गवाह है। ये काशीदास का पूजा है कि महाराज मान जाओ, त्रिपुर जो है मान जाओ, महाराज मान जाओ। अरे खेल साहब कटगा लाखों बीघा हाँ। कटान तो जो है बुहारे से नहीं है, जेठे से नहीं। अरे हमारे तो कटिगवा सब खाड़ बिघा, ये सब प्लाट हमारे आए वो कटिया। जनपद बहराइच में नदियों के जलस्तर पर प्रशासन लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। हम लोग डेली रीडिंग ले रहे हैं नदियों के जलस्तर की, तो उससे स्पष्ट है कि अभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। फिर भी लगातार होने वाली वर्षा के नाते कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो हम लोगों ने क्षेत्र में SDMs को लगातार भ्रमण करने के लिए बोल रखा है। उन्होंने भ्रमण किया भी है, मैं स्वयं भी क्षेत्र में मैंने भी भ्रमण किया है, तो कई जगहों पर कटान की स्थितियाँ हैं थोड़ी सी, तो उस पर भी SDMs को मैंने बोल रखा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको शासन की तरफ से तत्काल जो अनमन्य सहायता है वो भी उपलब्ध कराएंगे, इसमें कोई ढिलाई और लापरवाही नहीं बरती जाएगी। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि शहरी क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में लगातार होने वाली वर्षा के नाते कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, तो ईओ नगर पालिका की तरफ से हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 13 पंपिंग सेट लगवाए और पानी निकलवाने की व्यवस्था करवा रखी है ताकि लगातार होने वाली वर्षा के नाते जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उससे असुविधा का सामना न करना पड़े कभी।